बहुत ही अमेजिंग तरीका है फिलिंग करने का, शायद ही आपने कहीं देखा हो। शुरू करेंगे ऑन, थोड़ा सा डालेंगे सरसों, एक कप सरसों का ऑयल डाल, दो प्याज इस तरफ कट किए हैं, प्याज को ब्राउन करना है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट। नाउ मिक्स इट। नाउ वी विल ऐड 5 कट किए हुए टमाटोज ऐड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी जबरदस्त आने वाली वीडियोस के लिए। मेरी वीडियोस रिच नहीं होती, बहुत सिंपल होती हैं, ताकि हर कोई घर में बना सके। अब आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी घर की ड्राई की हुई कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है, सूखा धनिया पाउडर 1 स्पून, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, मिक्स मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मिक्स साबित जो है गरम मसाला, ये 1 मोटी इलायची, ये थोड़े कड़ी पत्ते, लौंग और होल ब्लैक पेपर और ये 1/2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, सुर्ख मसाला 1 टेबल स्पून है, नमक, सॉल्ट। आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त ग्रेवी, ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रोजन या फ्रेश कीमा, चाहे फ्रोजन हो, मेरे पास फ्रोजन था। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया अच्छे से, कीमा घी इससे निकल आया है। अब ये हमारा कीमा रेडी हो गया। तो अब करते हैं हरी मिर्चों में फिलिंग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ बड़ी बड़ी सब्ज मिर्चें ली हैं। आपने इस तरह की बड़ी बड़ी मिर्चें लेनी हैं जिनमें हम फिलिंग भर सकें। ये पहला तरीका ये है कि आपने इसके किनारे से कट लगाकर इसमें फिलिंग भरनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह कट लगाकर आपने बीज वाला पार्ट इसका निकाल देना है, जो बीज वगैरह इसमें होंगे वो आपने निकाल देने हैं, ताकि हम इसमें फिलिंग भर सकें। ये देखिए कितना इजीली ये खाली हो गई है, इस तरह आपने खाली कर देनी है। तो इसी तरह सारी मिर्चें खाली कर देंगे। तो अब हम आपको बताएंगे फिलिंग करने का दूसरा तरीका। इसको करेंगे हम इधर से ऐसे कट, ठीक हो गया, और इसके अंदर से ना हम इसको ऐसे ऐसे नरम करेंगे। नरम करने के बाद इनसे सारे बीज हमने निकाल कर खाली कर देनी है, जितने बीज वगैरह होते। लुक एट दिस, ये देखिए पूरा खाली हो गया, होल हो गया। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। ये रहा हमारा फ्राइड कीमा। तो चलिए फिलिंग करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका है फिलिंग करने का, शायद ही आपने कहीं देखा हो। आपने चम्मच की मदद से थोड़ा सा उस पर रख कर ऊपर, और फिर स्क्यूअर्स की मदद से आपने इसको अंदर की तरफ पुश कर देना है। चम्मच की मदद से थोड़ा रखिए, और इतना इजीली स्क्यूअर्स की मदद से आप इसको अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे। बहुत ईजी है ये। जब ये अंदर जाना बंद हो जाए तो समझ लें कि ये फिल हो गई है। दूसरी भरते हैं ऐसे, पहले करने हमने ऐसे आराम से इसको टूथपिक की मदद से अंदर कर देना। देखिए ये फिल हो गई है, ये देखिए ये फिल हो गई। अब दूसरी आपको बता दूं, इसमें आपने ऐसे इसको खोलना, ये देखिए इजीली आप इसे फिल कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह बन जाएगी,
फिर आपका फिल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हाथ के साथ भी इसको आप फिल कर सकते हैं ऐसे, ठीक हो गया। और इसको करेंगे ऐसे, फिर आपने ऐसे इसको साइड पे लाते जाने, ठीक हो गई। ये देखिए इसी तरह हमने सारी फिल कर लेनी है। ये आपको हाथ से भी बता दूं मैं, किसी से अगर स्क्यूअर से नहीं होती तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये आप हाथ से भी इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो कट वाले साइड मिर्चों को आप धागे के साथ भी बांध सकते हैं और टूथपिक की मदद से भी आप बाइंड कर सकते हैं, मगर मैंने तो वैसे ही फ्राइड की और बहुत ज़बरदस्त हुई। और 2-3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो कीमा भरी ज़बरदस्त मिर्चें फ्राई करना शुरू। फ्रेंड्स, आप किस कंट्री और किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। इन सब को आपने पलट कर फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इन जबरदस्त ग्रीन चिलीज कीमा भरवा का इतना टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमने खाई, बहुत घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप भी अपने घर में बनाकर अपने घर वालों के दिल जीत सकते हैं। और ये हमारी कीमा भरवा ग्रीन चिली जबरदस्त सी फ्राइड हो गई। तो फ्रेंड्स, आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और बना के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कीमा भरवा ग्रीन चिलीज आपको कैसी लगी, जो कि खाने में लज्जत में बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझसे लिंक में रहने के लिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। नूरीन खान को इजाज़त दीजिए, फिर किसी ज़बरदस्त सी यमी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।